कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। वो फॉर्मूला इस देश के पास है, यहां हर आदमी अमीर हो सकता है, यहां हर आदमी खुशी हो सकता है, यहां हर आदमी भगवान हो सकता है। हर व्यक्ति को जीवन में संन्यास एक बार लेना पड़ेगा कि देनहार कोई और है, देन रहा दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। बड़ी महान संस्कृति है सर। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत एक अलग मुल्क है, एक अलग देश है। इस भारत देश में पैदा होने के बाद मुझे, मैं कई सारी साहित्य में पढ़ा, कई सारे महान लोगों को पढ़ा कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम बड़े धन्यभागी हैं कि हम इस भूमि पर पैदा हुए। मेरे पिताजी मुझसे बचपन से ही कहते थे कि ऋषि मुनि तरसते हैं इस भूमि पर पैदा होने के लिए। तो हम सोचते थे ऐसी कौन सी बात है यार इस भूमि में। एक लंबे समय तक तो हमें समझ में ही नहीं आया कि ऐसी कौन सी बात है इस भूमि में कि लोग यहां पैदा होने के लिए तरसते हैं। है सर, सर है, भगवान की असीम कृपा से दो मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने मुझे इनविटेशन दिया है कि आप आइए हमारे यहां पढ़ाइए। डेवलप्ड मुल्क है सर। अरे मैंने कहा वहां आ जाएंगे तो यूपी में खुराफात कौन करेगा, हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जा सकते। हाँ आ जाएंगे, घूमने टहलने के लिए आ सकते हैं, कुछ सेमिनार ले सकते हैं आपके मुल्क में, हफ्ते भर रुक सकते हैं, पर भारत नहीं छोड़ सकते सर। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है भगवान बनने का, ऐसा कहने से बहुत सारे लोग दुखी होते हैं कि यार ऐसा कौन सा फॉर्मूला है। सर है सर, वो फॉर्मूला इस देश के पास है। यहां हर आदमी अमीर हो सकता है, यहां हर आदमी खुशी हो सकता है, यहां हर आदमी भगवान हो सकता है। इसलिए हम एक दूसरे को राम राम कहते हैं। बड़ा बड़ा आध्यात्मिक संबोधन है सर। राम राम जी, राम मतलब चेतना, तो अगला आदमी भी कहता है कि राम राम जी। राम जो, राम का जो मतलब है ना सर, राम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है चैतन्य, कॉन्शियस। और जो भी कॉन्शियस के अधीन होकर जिएगा, यही रामचरितमानस का संदेश है सर। रामचरितमानस का जो सबसे कोर संदेश है वो ये कि हर व्यक्ति को जिहाद करना पड़ेगा, धर्म युद्ध करना पड़ेगा। आप जिहाद में नहीं कहूंगा, मैं माफी चाहता हूं, बड़े सारे हमारे मुस्लिम दोस्त खफा हो जाएंगे कि रामचरितमानस जिहाद कह रहा है। सर जिहाद ही कह रहा है सर, वो भी जिहाद की। हर व्यक्ति, हर वो इंसान जो पैदा हुआ है, जो इंद्रियों पर जी रहा है, उसे अपने चैतन्य पर आना पड़ेगा। और उस चैतन्य पर आने की जो मिनिमम समय सीमा है वो है 14 वर्ष। साधना करनी पड़ेगी। अगर मिनिमम, मैक्सिमम तो 14 जन्म हो सकते हैं, 1400 जन्म हो सकते हैं अगर समझ में ना आए तो। रामचरितमानस का जो कोर संदेश है, कोर कि संसार दुखमय है, यही तो बुद्ध के, रामचरितमानस के जो आधार स्तंभ है ना सर, वो बुद्ध के 4 नोबल सत्य हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि रामचरितमानस का जो आधारशिला है वो बुद्ध के 4 आर्य सत्य है। संसार दुखमय है। इंट्रोडक्शन क्या है रामचरितमानस की, वो क्रौंच पक्षी जो मेटिंग कर रहे हैं और बहेलिया मारता है और मेल क्रौंच मर जाता है और फीमेल क्रौंच दुखी है। यही से रामचरितमानस की इंट्रोडक्शन है कि संसार दुखमय है। दुखमय क्यों है? भोग की वजह से। सूत्र क्या है? हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को जीवन में संन्यास एक बार लेना पड़ेगा। परिवार नहीं छोड़ना है, पत्नी नहीं छोड़नी है, मां बाप नहीं छोड़ने हैं, बच्चे नहीं छोड़ने, ये सब ड्रामेबाजी की बातें हैं सर, ये सब शुद्ध ड्रामेबाजी। ये भारत को इस संस्कृति से दूर भगाने की। हर व्यक्ति को, मैं हर हिंदू नहीं कहूंगा, हर व्यक्ति को रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। हर व्यक्ति को, परिवर्तन का सूत्र है सर। क्योंकि जो राम कौन है? प्रभु राम। प्रभु राम वो है जो चैतन्य के स्तर पर जी रहे हैं, इंद्रियों से ऊपर जा चुके हैं। तो वो जो चैतन्य के प्रभु राम है वो एक अच्छे पुत्र हैं, वो एक अच्छे पति हैं, वो एक अच्छे पिता हैं। चैतन्य पे हैं सर, चैतन्य से बड़ा कौन। इसलिए इस भारतीय उपमहाद्वीप में इन दोनों एपिक
ये दोनों महाकाव्य हैं। महाकाव्य का अर्थ है कि कहानी ए से शुरू हो जेड पे खत्म हो, काव्य में महाकाव्य रामायण और महाभारत महाकाव्य है। तो राम हर व्यक्ति इस देश में ईश्वर बनने के लिए पैदा हुआ। हम धन्य हैं जो हम भारत भूमि पर पैदा हुए हैं। भगवान आज भी टहल रहे हैं यहां संतों के रूप में, मुनियों के रूप में, पता नहीं कौन हमारे जैसे आदमी को। वो याराना का गाना है ना सर, मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाकर, बैठा दिया पलंग पर मुझे खाट से उठाकर। मेरे साथ तो यही हुआ सर, प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एकदम जमीन के निचले स्तर से उठा लिया सर। सबसे ज्यादा योगदान रहा भारत का, यहां की साधु परंपरा का, यहां की साधुता का। कोई कुछ भी बोले सर, मेरे लिए तो सद्गुरु भगवान है, मेरे लिए तो पंडित रविशंकर भगवान है, मेरे लिए तो आचार्य रजनीश भगवान है। मैंने भारत के सारे जो हमारे आदर्श हैं भारतीय संस्कृति के, हनुमान जी, प्रभु राम, श्री कृष्ण, शिव जी, जितनी मुझे जानकारी है, और जिसने मन को ध्यान से जीत लिया वो महावीर हो गया सर। बड़ी महान संस्कृति है सर। हम अमेरिका चले जाते, ठीक है सर, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम लंदन चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते सर। हम पेरिस चले जाते, एक अच्छी सी जिंदगी जी लेते। लेकिन भगवान बनने के रास्ते पर कभी नहीं चल पाते सर। हम सब धन्य भागी हैं जो इस भूमि पर पैदा हुए हैं। इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोग इस भूमि से बड़ी नफरत करते हैं। तभी तो इकबाल साहब ने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसीलिए कहा। इकबाल साहब थोड़ा सा इधर उधर हो गए थे बाद में, लेकिन कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े आदमी की छोटी मोटी गलतियां माफ की जा सकती। उन्होंने कहा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कौन सी बात? राजा जनक से लेकर सदगुरु तक हमारे पास एक श्रृंखला है मार्गदर्शक के रूप में। श्रृंखला, आपको यह श्रृंखला किसी और मुल्क में नहीं दिखेगी। राजा जनक, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दादू, नानक, रैदास, कबीर, आचार्य रजनीश, पंडित रविशंकर, मां निर्मला देवी, यह बात एक आदमी को समझ में आई सर, वीए स्मिथ को, विंसेंट आर्थर स्मिथ। शैतान है सर वो आदमी। उसने एक किताब लिखी 1904 में, मंगाइएगा सर, यही किताब भारत के आज की जितनी परेशानी है उसकी जड़ यह किताब है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया। उसने सारी कहानियों को ऐसा लिखा है सर, क्योंकि 1857 के बाद भारत को क्राउन के हाथ में ताकत आ गई। क्राउन ने कहा, यार अब क्या करें, पहले तो सारा दोष कंपनी पे मढ़ देते थे। ये जब भारतीय मेरे पास आते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय लंदन गए, ये साहब हम बहुत परेशान है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे देश तो कंपनी चला रही है। लेकिन 1958 के बाद देश तो क्राउन के हाथ में आ गया, अब क्या करेंगे, अब लोग शिक्षा मांगेंगे, एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन मांगेंगे, तो तोड़ दो। तो तोड़ने के लिए इस देश को समझना पड़ेगा। सेक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट एक सीरीज आई 50 वॉल्यूम में, और उस सीरीज में ऐसी बातें कि भारत के लोग के पास इतिहास लिखने का सेंस नहीं है। मतलब ये जो लिखेंगे वो सब गलत है, हम जो लिख रहे हैं वो सही है। ये तो आध्यात्मिक चिंतन ही करते रहते हैं, दुनियावी चीज इन्हें पता ही नहीं। कास्ट सिस्टम ब्राह्मणों का चलाया हुआ दुष्चक्र है, ब्राह्मणों का। चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण है, कबीर, रविदास, रामानंद के शिष्य है, ब्राह्मण है। जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की देन नहीं है, यजमानी व्यवस्था की देन है सर। कोई काट दे पढ़ाना छोड़ दे सर, सामंतवाद की देन है, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है सर। जाति व्यवस्था, हां, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच का भाव ब्राह्मणों ने माना है, यह मैं स्वीकार करता हूं, यह उन्होंने गलती की है। लेकिन सबने फिर भी नहीं की। अंबेडकर के गुरु को देखिए आप, एक पुरोहित तबका है, पुरोहित, उसने ऐसा किया है। और रहीम की एक बड़ा अच्छा दोहा वो समझाते हैं, सुनाते हैं कि देवनवार कोई और है, देनहार कोई। एक पंडित जी एक बार गए रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना से मिलने, अपनी बेटी की विवाह के लिए कुछ धन वन मांगने गए। तो जब रहीम जी पैसा देते थे किसी को, तो सर नीचे कर लेते थे, आग नीचे कर लेते थे।
तो ने पूछा कि सरकार एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि आप जब भी कुछ देते हैं तो अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। तो ने कहा कि तब उन्होंने कहा कि देन हार कोई और है, देन रहा दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। देन हार कोई और है, देत रहा दिन रैन, और लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। जय हिंद।